भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत यूपी सरकार की मुफ्त बिजली योजना को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। अब इस मुद्दे पर आज राकेश टिकैत की जनपद गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश नियामक आयोग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक हुई। इसमें राकेश टिकैत ने गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में आने वाली बिजली समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। बैठक में राकेश टिकैत ने योगी सरकार की मुफ्त बिजली योजना का मुद्दा उठाया। टिकैत ने अधिकारियों से कहा कि सरकार बिना किसी शर्तों के किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराए। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि हम किसी भी निजी नलकूप के लिए मीटर नहीं लगने देंगे। इसके अलावा सोलर रूफटॉप योजना को लेकर भी टिकैत ने कहा कि सरकार इस योजना में प्रति किलोवाट दी जाने वाली सब्सिडी भार अधिक होने पर भी एक ही धनराशि पर छूट दी जाए। बीके यू नेता ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर के डूब क्षेत्र में किसानों को निजी नलकूपों पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, इन्हें भी नियामक आयोग किसानों को देने का काम करे। बता दें कि इससे पहले बीकेयू की मासिक पंचायत में भी राकेश टिकैत ने किसानों को निजी नलकूपों पर मिल रही बिजली का मुद्दा उठाया था। पंचायत में उन्होंने कहा था कि सरकार को जिन किसानों के पास नलकूप नहीं है उनके लिए भी कुछ घंटों के लिए बिजली फ्री दी जानी चाहिए। आइए सुनवाते हैं राकेश टिकैत ने क्या कहा। उनका क्या समाधान होगा अधिकारी सरकार से बातचीत करने वाले थे। बीच में मीटिंग बंद रही लेकिन ये मीटिंग देर सुबह करनी पड़ी और सिस्टम ठीक चल रहा है। अभी भी कुछ फैसले यहां पर लिए और कुछ मुद्दे किसानों की तरफ से आते हैं जो बता दी छोटे किसान है हमारी आवाज नहीं उठाते। बात जरूर उनकी भी ठीक है। एक बार नैनो यूज आया है ये जबरदस्ती ओपियोई एक चीज है बोले इसका पैसा थोड़ा पूरा वे कोई इसको लेगा नहीं। इसको जरूरत होगी कौन सी दवाई एक बिजली का इसमें बड़ी ड्राई बिजली की लड़ते हैं कि बिजली फ्री हो। जो किसान जिसके ट्यूबवेल नहीं है वो बोल का पानी जमाता है नहीं उसको भी असर आते हो मतलब बिजली का रेट अब आधा हो गया एक सौ पचहत्तर से पिचासी हो गया तो कम से कम उसका भी रेट आप ज्यादा को लिया सारा बिल भी वो भी सब जिनके ट्यूबेल है बिजली से पूरा पड़ोगे सैंतीस साल से ये ड्राइव में ले लेंगे उन किसान की कौन बात कर रहा है। सबसे ज्यादा तो वही किसान आता है तो वही रेट आता तो नहीं देता रेट आता जो मोल लेता है उसको रेट तो पहले से लेता है भाई आटा का तो उससे कोई मोल होने का रे पूरी नहीं पूरी आपकी पूर्ति होगी उसका भी कर दो रेट बिजली का प्रमाण में रे के साथ वो जनरली बिजली फ्री हो जाएगी हमें पूरा अनुभव दे दो दो घंटे बिजली फ्री चल सकती है आपकी रोज सरकार के नियम अनुसार जो 1100-1300 जो यूनिट ले रहे हैं उसके बाद लगेगा वो दो घंटे में पूरी कर देगा डेढ़ दो घंटे में क्या डेढ़ घंटे में दो घंटे में किसान का पूरा फंस जाएगा। ये बिल बिल का पूरा नहीं पड़ेगा उसी से इलाज हो जाएगा। इन सब की जड़ है कि आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा। किसान तक खाना है तो उगाना है 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।